नहीं वो आप कर लो इतना वो सर, लग रहा इतना वो नहीं आ जाएंगे दे देंगे वो आ जाएगा एक मिनट पे नहीं कह रहा गुरु कह रहा सर नहीं लेट वो स्पेशल लेनी उस पे एनआई पे अलग लेगा सर ये कल अमित शाह आए थे और 10 साल का हिसाब किताब मांगे आप सर देखो मैं समझता हूँ भाई अमित शाह जी ने तो 10 साल का हिसाब किताब मांगा उससे पहले 5 साल का हिसाब किताब इनसे मांगना चाहिए था इनने 5 साल में क्या किया हमारा तो सब पता है हमने तो भाई अपने समय में 4 पावर प्लांट लगाए थर्मल प्लांट और 1 न्यूक्लियर प्लांट फतेहाबाद में लग रहा है इनने कौन सा लगाया हमने अपने समय में 18 विश्वविद्यालय बनाए इनने कौन सा बनाया अब सारी बात आप गिनो मैं पंचकुला से शुरू हो जाओ पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन वहाँ पर पंचकुला में लगाया हमने कुरुक्षेत्र में जो देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन बनाया अम्बा करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बनाया फिर आप आ जाओ सोनीपत में मैं कुरुक्षेत्र में कहो क्या पानी सोनीपत में आ जाओ महिला विश्वविद्यालय महिला मेडिकल कॉलेज राजीव गांधी एजुकेशन सिटी और जो अपना जो छोटू राम के नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज था उसको कॉलेज बनाया जहाँ ट्रिपल आईआईटी आई हुई है ट्रिपल आईटी सोनीपत में आया और निफ्टम जो अपने देश की अपनी तरह की यूनिवर्सिटी है फूड टेक्नोलॉजी ये सोनीपत में है फिर चले जाओ फरीदाबाद वहाँ YMCA को यूनिवर्सिटी बनाया और मेडिकल कॉलेज बनाया फिर मेवात चला जाओ वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया गुड़गांव में देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रखा और आपका फिर चले जाओ आप रिवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी और सैनिक स्कूल बनाने का काम किया झज्जर में आओ झज्जर में एम्स और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट और न्यूक्लियर साइंसेज की इसमें जसोहर खेड़ी में यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया और आप फिर आ जाओ महेंद्रगढ़ वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया जिसमें मेडिकल कॉलेज भी होगा जिसमें लॉ कॉलेज भी होगा भिवानी आ जाओ वहाँ चौधरी बंसीलाल जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया मेडिकल कॉलेज वहाँ मंजूर कराया रोहतक आ जाओ आप मेडिकल कॉलेज एक ही मेडिकल कॉलेज था हरियाणा बनने से पहले और जब तक 2005 तक एक ही रहा बाद हम सब बनाए उसको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया और विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया और IIM रोहतक में आया जींद में चौधरी रणवीर सिंह जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया और सिरसा में तो देवीलाल के नाम से छोटी सी जो यूनिवर्सिटी थी उसको राष्ट्रीय स्तर पर लाने का काम किया इस प्रकार से और बहुत सारी चीज़ें हैं ये तो शिक्षा में किया हमने और मेट्रो दिल्ली से बल्लभगढ़ दिल्ली से गुड़गांव रैपिड यूनिवर्सिटी सब रैपिड मेट्रो सबसे पहली वहाँ लगाई गुड़गांव में और दिल्ली से भादरगढ़ मेट्रो लाने का काम किया रेलवे लाइन हमने सोनीपत से जींद वाया गुहाना बनी और रिवाड़ी से रोहतक वाया झज्जर रेलवे लाइन बनाने काम किया एक मेवात में मंजूर कराई थी एक वहाँ पे आपका कराया था उसमें यमुनानगर में रेलवे लाइन और एक रेलवे लाइन जिसकी कंपनसेशन भी हो गई थी मैम से हाँसी और हिसार तक जानी थी इन्होंने ये रेलवे लाइन लगाया और पावर प्लांट लगाया इनका बताओ एक पावर प्लांट लगाया हो एक इंच मेट्रो लेके आया हूँ एक इंच रेलवे लाइन बनाई हो कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो कोई राष्ट्र स्तर का जैसे मैंने बताया है इंस्टीट्यूट राष्ट्र स्तर के लेके आए वो लेके आए हो कोई भी एक काम बता दीजिए कोई भी जो है हाँ इवेंट मैनेजमेंट जरूर की इन्होंने ये कह रहे हैं कि 370 इन्होंने खत्म कर दी राफेल है बालाकोट है मोदी का वैश्विक छवि है सवाल हरियाणा की बात हो रही है उन्होंने सवाल मेरे हिसाब की हरियाणा की बात हो रही ना मैंने कहा इनसे हिसाब लो हरियाणा में क्या किया 5 साल सवाल जो आपने सवाल पूछा था ना अमित शाह जी यही कह रहे हैं अमित शाह जी ने ये कहा था कि भाई 10 साल में क्या किया हरियाणा में तो आप ये बताएं इनने 5 साल में क्या मेहनत गिना दिए ये सरकार बनते इन्होंने कहा ये तो रिकॉर्ड की बात है कि मुख्यमंत्री ने कहा कल्पना चावला जो मेडिकल कॉलेज है इसको हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे अगर एक ईंट भी रखी हो तो बता दे आज नाम भी बदल दिया इसी प्रकार से जो राय का स्पोर्ट्स स्कूल था उसमें उन्होंने कहा हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे अब चुनाव से 15 दिन पहले कैबिनेट में पास किया वो
पाँच साल सोते रहे, कोई तो काम बताएं। रेलवे लाइन बनाई हो, कोई मेट्रो बनाई हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई ऐसी संस्थान बनाई हो जिससे हरियाणा का फायदा हुआ हो, और बल्कि किसान को आज बर्बादी के कगार पे खड़ा कर दिया। कोई प्लॉट दिए हो, एक प्लॉट नहीं दिया गरीब, जैसे हम 3,82,000 100 गज के प्लॉट दिए गरीब आदमी को, इन एक को दिया। और बताओ हुड्डा साहब, कल अमित शाह ने 24 मिनट भाषण दिया, पूरा भाषण भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ओम प्रकाश चौटाला और धारा 370 पर ही निकाल दिया। आपको नहीं लगता कि लोकसभा में जिस तरह से धारा 370 का, जिस तरह से पुलवामा हमले का इस्तेमाल किया गया था, उसी तरह धारा 370 ऐसा है? 370 का तो अब मुद्दा नहीं रहा, 370 में मेरा अपना व्यू था, हमने पहले कह दिया, मेरा दृष्टिकोण पहले आ गया था, और अब तो कानून बन गया, अब तो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, कोई उसका विरोध है ही नहीं। लेकिन वो कह रहे कि 370 पे समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, हुड्डा साहब और राहुल गांधी जवाब दें। मेरा तो पता है उनको जवाब का, सब तो आप लोगों को पता है, लेकिन ये बार बार जो नेशनल दृष्टिकोण उसको मालूम है, जब ये था वो मैंने उसको कहा, अब तो वो बात, अब तो कानून बन गया देश का। यहाँ कल जैसे स्पीच में बात करी हरियाणा की, कम बात हुई, उन्होंने वही बात है कि 370 राफेल बालाकोट मोदी का वैश्विक छवि, उनका काम है तो क्या नेशनल मुद्दे ही रहेंगे? लेकिन ऐसा है, वो लोकसभा के मुद्दे थे, लोकसभा के मुद्दे और होते हैं, विधानसभा का मैं तो कह रहा हूँ, विधानसभा जो 154 वायदे किए थे, साफ बात है, उनका घोषणा पत्र लेके आओ, मैं से बहस कराओ, 154 वायदे किए थे, एक वायदा गिराने ने पूरा किया। बेरोजगारों के साथ क्या कर रहे हैं आज ये, गरीब आदमी के साथ क्या कर रहे हैं, किसान के साथ क्या कर रहे हैं, व्यापारियों के साथ क्या कर रहे हैं, सबको मालूम है। और हमारा 2005 का घोषणा पत्र उठाओ, 2009 का पत्र उठाओ, एक भी पिन पॉइंट ऐसा कर दो जो हमने पूरा ना किया, और अब भी करेंगे, जो कल घोषणा पत्र दे रहे हैं, अभी जो हम कहेंगे, तो पहले कहा किया, अभी जो कहेंगे वो करेंगे। कल जारी होगा सर? कल होगा सर। जो बीजेपी वाले तो सही, लेकिन जो कांग्रेस के नेता थे वो भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस में टिकटों को लेकर जो 7 परिवारों ने कब्जा किया हुआ था। ये बीजेपी के आरोप नहीं देखे आपने? बीजेपी के आरोप नहीं देखे यहाँ? उनसे बात करो पहले। संपत सिंह क्यों कहते हैं आरोप प्रत्यारोप, आरोप झूठे आधार, इनका कोई आधार नहीं होता। संपत सिंह कहते हैं मेरा राजनीतिक कत्ल करने की साजिश रची गई, मुझे टिकट नहीं दिया गया। मैं व्यक्तिगत कभी विवाद में पड़ता।